अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज 28 की रात है, तो अमेरिका से सिस्टर है, तो उसकी हम दावत करवा रहे हैं, रोजा खुलवा रहे हैं मस्जिद में जी। तो आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है। सारा इंतजाम हो रहा है माशाल्लाह से, सारा इंतजाम हो रहा है। अभी देख बन रही है, देख भी बन रही है, उधर रोटियां भी बना रहे हैं। हाँ, गोश्त तो की देख बन रही है। तो अल्लाह पाक उनका भी देना कबूल करे। मह रमजान की दावत है, सारा सामान आ गया है। तो अभी देख बन रही है, देख ऊपर चढ़ा खड़ा दिए। तो अभी ये हाँ, यहाँ पर जो है रोटियाँ बना रहे हैं, ऐसे ना बना लेती हैं ये खुद साहब बस्ती वाले। ठीक है, तवा जो है ना वो बड़ा लिया हुआ है, रखा हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तीन चार रोटियाँ आराम से पक जाती हैं। हाँ, तो ये इंशाल्लाह मस्जिद में इंतजाम होगा इंशाल्लाह। तो अमेरिका से सिस्टर है, तो उसकी दावत हो रही है। अल्लाह पाक उसके हस्बैंड को सियात दे, उसकी पूरी फैमिली को। पहले भी एक बार उसकी दावत की है हमने, तो आज ये दूसरी दावत है उसकी। तो बस अल्लाह ताला ये दावत कबूल करे और उनका देना भी कबूल करे। हाँ, अभी आगे चलते हैं और फल फ्रूट भी बनाते हैं। हाँ, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह, पानी भी बनाएंगे, पानी भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह, मस्जिद में लेके जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी माशाल्लाह रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं, आधी बाकी थोड़ी सी बचती हैं। आधी तैयार हो गया, आधी रह गई। ये मस्जिद में लेके जाते हैं अभी। रोजे का थोड़ा सा टाइम रह गया है, 20 मिनट। सालन भी देखते हैं कितना तैयार हो गया। तो भाई साहब सालन तैयार कर रहे हैं, बुला लेंगे। कितनी देर है भैया? 10 मिनट के बाद जो है ना गोश्त हमारा तैयार हो जाएगा। तैयार हो गया है, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लेके जाते हैं फिर मस्जिद में इंशाल्लाह। तो मस्जिद में सबको बुला लिया है, तो उधर दुआ भी कराएंगे इंशाल्लाह, पानी भी, फ्रूट भी। हाँ, उधर भी फ्रूट इधर बनाएंगे। हाँ, बना के उधर लेके, इधर से बना के उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। और बाकी उधर दुआ भी कराएंगे इंशाल्लाह, सारी तरीके का ये दावत कबूल करे अल्लाह पाक। हाँ, बाजी का भी दुआ करवाना बाजी के लिए। ठीक है इंशाल्लाह, जरूर। प्लेट में डाल के ना, हाँ, तो फिर मस्जिद में प्लेट में डाल के ना, फिर देंगे ना। तो माशाल्लाह से ये देखिए, ये फ्रूट भी तैयार हो गए हैं, खरबूजे और तरबूज दोनों तैयार हो गए हैं। तो इसके ऊपर दे रहे ना थोड़ी, तकरीबन 20 मिनट दे रहे हैं। खाना शायद मुकम्मल तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर देख जाते हैं। ठीक है, हमारी ताज़ी ताज़ी रोटियां तैयार हो चुकी हैं, फ्रेश फ्रेश रोटियां हैं। तो ये मस्जिद में जा रही हैं माशाल्लाह से, ये पहले भी हमने दिखाया है। हाँ, फ्रूट वगैरह भी सारे जो है ना मस्जिद में जा रहे हैं, जाते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह हमारा गोश्त भी तैयार हो चुका है, अभी ये जाएंगे उधर रोजा अख्तियार करवाने के लिए। मैं इधर ही बैठी रहूंगी, तो जो है ना इधर जो औरतें हैं, तो इनको मैं रोजा अख्तियार भी करवाऊंगी, इधर सामान आगे जाके मैं खुद ही वीडियो बना लूंगा इंशाल्लाह, तो दुआ भी कराऊंगा इंशाल्लाह। तो इसी मस्जिद में पहले भी हमने रोज अफ्तार किया रहा था, तो आज भी उसी मस्जिद में करा ये इफ्तारी के इंतजाम किया है, जिस बाजी ने किया उसके घर में माल जान में बरकत अता फरमा, हर किस्म की मुसीबतों से परेशानियों से अफात से या अल्लाह मसाइब से महफूज फरमा, हर किस्म की बीमारियों से महफूज फरमा, घर के अंदर माल जान के अंदर बरकत अता फरमा। इन भाइयों ने इंतजाम किया, इनका इंतजाम करना कबूल फरमा, जिस बाजी ने करवाया है उसका भी ये इंतजाम करना कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारे रोजे को, नमाजों को कबूल मंजूर फरमा। इफ्तारी का वक्त है या अल्लाह, कबूलियत का वक्त है, हमारे सगीरा कबीरा सारी जहरी बात ने सब गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, हमारे फसलात की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे बीमारों को शिफा कामला मुस्तमिल अता फरमा। या अल्लाह मेहरबानी करा, रमजान मुबारक के आखिरी दिन है, या अल्लाह हमारे ऊपर रहमतों के
اللہ دروازے کھول دے ہمارے لیے ہماری جھولیاں رحمتوں سے بھر دے یا اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما ہمیں نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحم الراحمین ہمیں بھی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین ہمارے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما یا اللہ رمضان المبارک کے صدقے قرآن کے صدقے نبی آخر الزمان کے صدقے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما کامل ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین مہربانی فرما خیر کے فیصلے فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين کر افطاری کر ٹائم ہو گیا ابھی ماشاء اللہ سے قرآن کی افطاری ہو گئی ہے کھجور سے لوگ افطار کر رہے ہیں مجھے کچھ وہ استعمال لیا کہ وہ بھی کھائیں گے بھی سالن دیتے ہیں اس کے بعد سیمینار کریں گے ماشاء اللہ سے گوشت لے کر آ گئے سارے کھانا کھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا انتظام ہوا ہے سارا انتظام کیا کبوتر ہے تو پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو ماشاء اللہ سے ابھی تو ایک افطاری ہو گئی ابھی پھر نماز ٹائم ہو گئی نماز پڑھتے ہیں ان شاء اللہ آگے پھر نماز پڑھ کے آگے مجھے بنائیں گے ہاں بھائی ہاں اللہ